Figure shows two identical FHM pendulums of length L. One is tilted at an angle alpha and imparted an initial velocity V1 towards mean position. Yeah, towards mean position. And at the same time, other one is projected away from mean position at velocity V2 at an angular displacement beta. Find the phase difference in oscillation of two pendulums. अब ये थोड़ा complicated हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें अलग अलग दे रखा है और एंगल दे रखा है, एम्पलीट्यूड पता नहीं है हमको, एम्पलीट्यूड नहीं बताया गया है हमको, ध्यान रखिए. अब देखिए, मैंने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी है इसके पास, तो इसका मतलब ये जो जगह है इस पार्टिकल की, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन नहीं है. वेलोसिटी प्रदान जब कर रहे हैं तो वो जगह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही होती है कि वहाँ पर वेलोसिटी होती है जीरो. तो ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है. आप कह सकते हो सर यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है तो इंटरमीडिएट कैसे, नहीं वो लगता है हमने स्टार्ट यहाँ से कर दिया, अलग वो है क्या हमें, लेकिन पेंडुलम के लिए उसकी मैक्सिमम पोजीशन एम्पलीट्यूड वही होगी जो हमें वेलोसिटी जीरो होगी. तो हमें ये इस जगह पर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेलोसिटी का जो किसी जगह पर होता है. जैसे कि देखिए, ये जो रास्ता तय करना होगा, हमें पहले बता चुका हूँ कि एसएचएम पेंडुलम के केस में इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, और ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इतना सा है. अगर मैं एल ले लूँ तो एल एल्फा, हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क दैट इज अपॉन रेडियस होता है, तो ये रेडियस, सॉरी एल रेडियस और आर्क हमको निकालना है, तो आर्क कितना हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज एल, तो आर्क लेंथ एल एल्फा हो गई ना. तो अब ध्यान रखना, जब भी एल्फा हो ये एल हो, सामने वाला एल एल्फा होता है, तो ये एल एल्फा है और एम्पलीट्यूड कुछ ज़्यादा हो सकता है ए, हमको नहीं पता, हम वो निकालेंगे पहले. बिना एम्पलीट्यूड के कोई भी क्वेश्चन किया पिछला हमने फेज डिफरेंस वाला नहीं किया, तो हमें एम्पलीट्यूड की सख्त आवश्यकता है. इसमें भी निकालना पड़ेगा, इसमें भी निकालना पड़ेगा, उसको निकाल लेते हैं. भाई हमको पता है वेलोसिटी का रिलेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और सब इंटरमीडिएट पोजीशन जहाँ पर है उसका स्क्वायर, लेट मी कॉल इट वाई, या एक्स खुद भी बोलते हैं, एक्स ले लेते हैं. चलो अब शुरू करते हैं. हमें वी वन बोला गया इस जगह की वेलोसिटी को, स्क्वायर पे लगा रहा हूँ, अगर रूट लगा रहा हूँ तो बाद में लगा लूँगा ओमेगा, और ये एम्पलीट्यूड हम इसको ए वन नाम दे देते हैं, और यहाँ पे जिस पोजीशन पर वो है वो एल अल्फा है, तो एल अल्फा का स्क्वायर. सो वी वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस एल अल्फा स्क्वायर, ये आपका आ गया. अब इसमें से आप वी वन स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पर ले आओ एल अल्फा का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए वन स्क्वायर, और फाइनली आपका ए वन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी वन बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा का स्क्वायर, ये आ गया. और सिमिलरली इसके लिए भी आप डिट्टो यही काम कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूर जा रहा है पास आ रहा है, एम्पलीट्यूड तो ऐसे ही निकलेगा. डिट्टो यही, यहाँ वी टू लिखोगे, यहाँ ए जो निकालना है वो लिखोगे ए टू, और यहाँ पे एक्स का रोल हो जाएगा एल बीटा, ठीक है. सो योर आंसर विल एग्जैक्टली बी सेम, इट विल बी वी टू अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस एल बीटा का स्क्वायर. सो हमने एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया, बधाई हो, इतना तो हम पहले भी करें हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा. तो अपने अलग अलग एम्पलीट्यूड हैं, ए वन ए टू ज़्यादा है, बताया नहीं गया है कि वी वन ज़्यादा है कि वी टू ज़्यादा है, तो किसी को भी आप ज़्यादा मान सकते हैं, बस डिफरेंट ले लीजिए. तो हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा मान लेते हैं एल अल्फा छोटा है और एल बीटा बड़ा है, मानने में क्या हो रहा है, ठीक है. तो एक तो क्या रहा है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन का ही बोल चुका हूँ कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. अब आप इस बात को रट लो, हमने कई बार यूज किया अवे फ्रॉम मीन पोजीशन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट, फिर टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे यहाँ के केस में था ना, फर्स्ट टाइम टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर पहली बार टूवर्ड्स द मीन पोजीशन था सेकंड क्वाड्रेंट, अब दूसरी बार टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ये एरो जा रहा है देखो यहाँ जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. तो इस तरीके से आप फिक्स कर लीजिए अपने आप, हालांकि इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन फिक्स करने में कोई बुराई नहीं है, इस चीज़ को फिक्स कर बुराई नहीं है. आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मान लीजिए अवे फ्रॉम मीन पोजीशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इधर और इधर से वापस आ रहा है, तो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट बोल लीजिए, उधर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट, उधर से वापस आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत फायदा आएगा आपको ये करने में। खैर ये हमारा टूवर्ड मीन पोजीशन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे बना देंगे क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इसका प्रेजेंटली फाई कितना है, ये इसका एंगल है प्रेजेंटली अपनी मीन पोजीशन से। तो कैसे निकालना भाई, पाई में से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। ये कितना रह गया है डिस्टेंस ट्रेवल करने को, एल अल्फा रह गया है ना। तो पहले ये हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, से ये एंगल है सम एक्स डिग्री, कुछ भी ले लो, एक्स लिया तो नहीं गई, हाँ एक्स नहीं लिया, हम एक्स ले लेते हैं इस एंगल को, अल्फा नहीं ले सकते ना, अल्फा यूज़ हो गया, तो गामा एंगल लेते हैं, गामा वन, ठीक है सही है। तो कैसे निकालें, साइन गामा वन इज परपेंडिकुलर विच इज एल अल्फा अपॉन ये बेस ए वन। अब इतना बड़ा मैं ए वन तो लिखूंगा नहीं, तो ए वन से ही काम चला लो अभी, ठीक है। तो गामा वन क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एल अल्फा बाई ए वन, ये आपको गामा वन आ गया। तो पूरा जो फाई वन होगा वो कितना होगा, दैट इज पाई माइनस गामा वन, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, मैंने इस वाले को बड़ा मान लिया, चलो दूसरा जो है वो छोटा मान लेते हैं, वो दूर जा रहा है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो देखो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला भी, इसी को फिक्स कर लीजिए। और ये एल बीटा ट्रैवल कर, सॉरी यहाँ पर रख दो, एल बीटा ट्रैवल कर चुका है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही जो एंगल होगा यही हमारा फेज होगा फाई टू, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर दैट इज एल बीटा अपॉन हाइपोटन्यूज दैट इज कितना है ए टू, बस। तो इनको आप माइनस कर दीजिए, फाई वन माइनस फाई टू दैट इज पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एल एल्फा बाय ए वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ एल बीटा बाय ए टू, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।